एक्सक्यूज मी मैम, मैम आपकी वॉइस क्लियर ही नहीं आ रही और आपका कैमरा बंद आ रहा है। मैं रिमूव चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग, आप ठीक है? यस मैम, अब आपकी क्लियर आ रही है। ओके, आज हम पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट्स, लेसन नंबर 8, ठीक है? साइंस का चैप्टर है। इसमें हम क्या देखेंगे, हमारी बॉडी कितनी तरह से मूव करती है, हमारे बॉडी के पार्ट्स कितनी तरह से मूव करते हैं, हमारी ईयर में कितनी हड्डियां होती है। आपने सुना है कभी आपकी ईयर में भी हड्डी होती है? छू के देखो अपने ईयर को। यस, हमारे ईयर में भी हड्डी होती है, बोन्स होती है। आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि बॉडी मूवमेंट, बॉडी कैसे कैसे मूव करती है। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, आपको क्या करना है, एकदम से ढंग से बैठना है, सीधे बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी। अब आपको अपनी जो बॉडी मूवमेंट करती है उन प्लेस को देखना है, अपनी बॉडी में कौन कौन सी चीजें मूव करती है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज टाइम टू टाइम। आपको पता है कि आप अपनी आईज को टाइम टू टाइम क्या करते हैं, झपकाते हैं, झपकाते हैं या नहीं झपकाते हैं, जैसे किसी चीज को हम झपकाते हैं। देखो, किसी ने चुटकी बजाई या किसी ने मिट्टी आती है तो हमारी आंख कैसी हो जाती है, झपक जाती है। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रेथ। अब आप जब ब्रेथ लेते हो तो आपकी बॉडी को आप ऑब्जर्व करोगे कि कौन कौन सी बॉडी के पार्ट मूव करते हैं। दे आर ऑल्सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी। और ये बहुत से यहाँ पे मूवमेंट होते हैं जो हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं, बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमारी बॉडी में मूव करते रहते हैं। वेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर मूव। जब आपको नोटबुक में लिखते हो तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट मूव करता है? हैंड, हैंड, हमारा हैंड वर्क करता है। और व्हेन यू स्टैंड एंड लुक एट योर फ्रेंड, हाँ दीपक बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, यस दीपक बोलो। दीपक मैम, आप सेवेंथ के क्वेश्चन आंसर कब भेजोगे? एक तो बनाने पड़ेंगे नोट्स इसके लिए, तो मैं आपको वो बाद में भेजूंगी। यस मैम, अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्लोज योर माइक, अदरवाइज तब अपने माइक बंद कर लो और ध्यान से सुनोगे। Different part of your body move while you remain at the same place. आपके different part जो body के होते हैं वो same place पे क्या करते हैं, move करते हैं। In this example, इस example से you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school. अब जैसे ही जैसे एग्जाम्पल है कि आप किसी जगह पे जाते हो तो कौन मूव कर रहा है, आपके लेग्स, पैर, लेग्स। जब आप स्कूल जाते हो, स्कूल के कंपाउंड में जाते हो, है ना, जंप करते हो, स्किपिंग करते हो, घर अपने घर जाते हो, तो ये सब क्या है, आपकी मूवमेंट है। यू वॉक, रन, स्किपिंग, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आप वॉक करते हो, रन करते हो, कूदते हो, स्किपिंग करते हो, मूव करते हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो आपकी बॉडी के आपके लेग्स क्या करते हैं, आपके साथ मूव करते हैं।
Let us see how animal moves from place to place by filling up table 8.1. अब यहाँ पे आपकी टेबल दी हुई 8.1, आपको उसमें फिल करना है कि कौन किससे मूव करता है. After discussing with your parents, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स और पेरेंट्स से डिस्कस करने के बाद, बुजुर्ग वंडर्ड अबाउट मूवमेंट इन प्लांट. बुजु ये जानना चाहता है कि प्लांट्स कैसे मूवमेंट करते हैं. ही नोज दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर उसने सुना था कि वो प्लेस टू प्लेस मूव नहीं करते हैं. बट डू दे शो एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, क्या उनके कोई मूवमेंट होता है? तो बिल्कुल होता है. जब वो पेड़ ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तब उनके क्या होते हैं, पार्ट्स मूव करते हैं. अब काउ क्या करती है, अपने लेग से वॉक करती है, है ना. ह्यूमंस क्या करते हैं, वो भी अपने लेग से वॉक करते हैं. स्नेक पूरी बॉडी से शेल्टर करते हैं. बर्ड क्या करती है, फ्लाई करती है ना, पूरी बॉडी से, मतलब वो विंड से अपने क्या करती है, फ्लाई करती है. इंसेक्ट भी क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट रेंगते हैं, कुछ इंसेक्ट चलते हैं. और फिश क्या करती है, स्विम करती है. तो ये सारी बॉडी के मूवमेंट है जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स द्वारा किए जाते हैं. वॉक, रनिंग, फ्लाई, जंपिंग, क्रीपिंग, क्रॉल, शेल्टर एंड स्विमिंग, दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वे इन विच एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब ये सारी चीजें होती है, जैसे वॉक करना, फ्लाई करना, जंपिंग करना, रेंगना, अपने पंजों से चलना, ये सब क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाने का एक जरिया होता है. Why are these so many different in the way that animal move from one place to another? अब यहाँ पे क्या different तरीका है कि animals एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. तो कोई birds तो कैसे करती है, fly करती है, है ना. और जो snake होते हैं वो क्या करते हैं, रेंगते हैं, है ना. तो इस तरह, मतलब place to place जाने के लिए उनकी body का movement होता है. Why is it that many animal walk while a snake shelter or crawl and fish swim? अब वो बोल रहे हैं कि स्नेक तो रेंगता है और फिश क्या करती है, स्विम करती है. क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ह्यूमंस ये, क्योंकि क्या उनको उस तरीके से बनाया गया है जिस तरीके से वो बॉडी को, अपनी बॉडी को पूरी मूव कर सके. जैसे स्नेक है वो अपनी पूरी बॉडी को मूव करके चलता है. आपने देखा इंसेक्ट में, लटकों को कभी देखा है जो मटर में से निकलती है, वो भी क्या करती है, अपनी पूरी बॉडी को मूव करवाती है, है ना. जो इंसेक्ट है, yes. वो भी क्या करता है, yes, बॉडी मूव करवाता है. हर मिट्टी में से निकलती है ना? अपना अपना मूव करने का. हाँ बिल्कुल, मिट्टी में से निकलती है. नेल होती है, ये भी मूव करती है अपनी बॉडी को लेके. तो हर क्रिएचर जो होते हैं वो कैसे, मतलब अपनी को, मतलब उससे मूव करते हैं. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी का कैसे मूवमेंट होता है वो देखेंगे. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज varieties of movement in animal. हमने closely इनको some own, मतलब movement को देखा है, some, एक मिनट बिताइए. तो क्या करते हैं, एनिमल डिफरेंट टाइप से मूवमेंट करते हैं, उनमें डिफरेंट वैरायटी होती है मूवमेंट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल. डू यू एंजॉय ड्यूरिंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं स्कूल में? तो बिल्कुल हम करते हैं, हम करते हैं ना एक्सरसाइज. हाँ, हाउ डू यू मूव योर हैंड्स व्हाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस? अब ये कह रहे हैं आप कैसे एक्सरसाइज करते हो, तो अपने हाथ को और लेग को मूव करते हो.
लेट अस ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स आवर बॉडी इज केपेबल ऑफ. चलिए हम देखते हैं कुछ मूवमेंट को, बहुत सारे मूवमेंट को जो हमारी बॉडी केपेबल है उसको करने के लिए. जैसे हम अपनी कोहनी को क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, है ना. मोड़ के दिखाओ सब अपनी कोहनी को. यस, वेरी गुड पलक. यस लक्षिता. यस मैम. मुड़ के दिखाओ अपनी कोहनी को. आप बेंड कर सकते हो ना सब जने. गर्दन को अपने पैर को एक्सक्यूज मी मैम. हाँ बेटा. मैम द टेल ऑफ टू बर्ड्स है ना, न्यू कॉपी में करना है क्या? नहीं, उसी में कर लेना. ग्रामर की न्यू नोटबुक बना लेंगे. ठीक है. यस मैम. उसी में करना है जो इंग्लिश वाली है. टू कर देना उसमें. ओके क्या मैम? पार्ट वन और पार्ट सेकंड कर देना उसी में. मैम मैंने कर दिया. ओके ओके. ब्लू एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. आपको क्या करना है कि इमेजिनरी बॉल और विकेट लेना है. उसको एक मिनट बेटा. मैम आपका माइक म्यूट है. एक मिनट बेटा, एक मिनट. मैम मेरे नेटवर्क आ रहा नहीं है इसलिए मैं कैमरा बंद रख सकता हूँ. ओके चलिए. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? आप अपने आर्म को कैसे मूव करते हैं? सब अपने आर्मों को मूव करके बताओ. Thank you.
सब अपनी आर्म्स को मूव करके बताओ, दोनों आर्म्स को। हो रहे हैं मूव, पलक करो। यस धन्या। यस मैम। नहीं दे रहा है आपको मैम, आपकी आवाज आ रही थी नहीं इतनी देर। क्या आप शोल्डर सर्कुलर मोशन में मूवमेंट कर रहे हो? तो बिल्कुल, हम अपने शोल्डर को सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करवाते हैं। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? आपका शोल्डर भी मूव होता है? तो बिल्कुल, हमारा शोल्डर भी हमारे साथ मूव होता है। ली डाउन एंड रोटेट योर लेग एंड एट द हिप। अब आपको क्या करना है, अपने लेग को और अपने हिप्स को क्या करना है, रोटेट करना है। तो सब जने करेंगे, दिस इज आवर एक्सरसाइज। सो वी ऑल डन। हो रहा है रोटेट? सब जने चेयर पे बैठे और रोटेट करो अपने लेग्स को, हिप्स सहित। हो रहा है सबका? यस मैम। ओके बेटा, ओके। बेंड योर आर्म्स एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी। अब आपको अपनी आर्म्स को क्या करना है, बेंड करना है अपनी एल्बो। इस एल्बो को क्या करना है, बेंड करना है, और लेग को क्या करना है, नी पे बेंड करना है। मोड़ो घुटने को अपने और कोहनी को। यस वेरी गुड पलक, वेरी गुड। यस स्ट्रेच योर आर्म साइड वे। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर। अब आपको क्या करना है, बेंड करना है अपने आर्म्स को अपने शोल्डर के शोल्डर पे फिंगर रखनी है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना वो शोल्डर वाली, फिंगर को अपनी शोल्डर्स पे रखनी है। हाँ वेरी गुड इशिका, वेरी गुड। यस वेरी गुड। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपका आर्म का कौन सा पार्ट बेंड होता है? तो ऑब्वियस है कि हमारे आर्म का ये एल्बो बेंड होता है ना, हमारी कोहनी बेंड होती है। ऐसा तो नहीं है आपके आगे वाला हिस्सा भी बेंड होता है, और आपका कौन सा बेंड होता है, ये वाला कलाई जिसे बोलते हैं हम, रिस्ट कलाई भी बेंड होती है। ये देखो हमारी कलाई भी बेंड होती है और हमारा शोल्डर भी बेंड होता है। हमारी जो हैंड है उसमें तीन पार्ट बेंड होते हैं, कौन कौन से? बोलो कौन कौन से बेंड होते हैं? शोल्डर्स, आर्म्स और शोल्डर आर्म्स और रिस्ट। ओके हमारी फिंगर भी तो बेंड होती है ना, हो रही है नहीं हो रही है? यस माय फिंगर्स। यस हमारी फिंगर्स भी बेंड होती है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स। अब आपको क्या करना है, अपने आर्म्स को नीचे की तरफ बेंड करना है। आर यू एबल टू बेंड? ड्रिंक वाटर। क्या आप ये करने योग्य हैं? तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। Try to move the various part of your body and record the movement in table 8.2. अब आपको क्या करना है, अपने बॉडी के मतलब जो रेस्ट है, फिंगर है, नी है, एंकल है, टो है, बैक है, हेड है, एल्बो, आर्म्स, इनको क्या करना है, बेंड करना है और इनको टेबल 8.2 में इसमें लिखना है कि कौन सा हमारा बेंड होता है और कौन सा बेंड नहीं होता है, कौन सा कंप्लीटली रोटेट होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये सब हमारा टेबल 8.2 में फिल करना है। ओके यस और नो लिखना है ना? हाँ बेटा यस और नो लिखना है।
Why is it that we are able to move few part of body easily in various direction and some only in one direction? अभी कह रहा है कि हम हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को इजिली बहुत सी दिशाओं में बहुत से डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, परंतु केवल कुछ पार्ट को हम एक ही दिशा में घुमा सकते हैं. Why are we unable to move some part at all? क्यों हम पूरी मतलब पार्ट एक पार्ट को सारी दिशाओं में घुमा सकते हैं कैसे? चलिए इसके बारे में स्टडी करते हैं. एक्टिविटी वन, हमने कहा कि हम अपनी बॉडी को मोस्टली पार्ट में डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, है ना. प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर फिगर 8.1. अब आपको क्या करना है, स्केल लेना है, है ना. उसको क्या करना है, उसको अपने आर्म्स के और रिस्ट जो आपकी कलाई है वहां तक लंबी स्केल लेनी है और उसको बांध देना है. ask your friend to tie the scale and your arm together. आपको क्या करना है कि अपनी फ्रेंड को बोलना है कि स्केल से मुझे मेरे पूरे हाथ को बांध दो. Now try to bend your elbow. फिर आप अपनी एल्बो को क्या करेंगे, बेंड करेंगे. तो क्या आप बेंड कर सकते हैं? यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, रिस्ट से लेके ये आर्म्स तक अपने इसने स्केल ली है और इसको अपने फ्रेंड को कहा है कि इसको बांध दो. अभी इसके अपने फ्रेंड को बोलो कि आप इसको हनी को मोड़ो. तो क्या ये मोड़ सकेगा? नो मैम, नहीं मोड़ सकेगा. क्यों नहीं मोड़ सकेगा? स्केल बांधी है ना, तो हाँ स्केल बांधी है इसलिए वो नहीं मोड़ सकता. और हमारी पीठ यह क्या होता है, ये क्या कहलाते हैं? जैसे एल्बो हमारी क्यों मुड़ रही है? क्योंकि वो तो जॉइंट है. यस, वेरी गुड वेरी गुड. क्लैप फॉर ईशा. वेरी गुड ईशिका, वेरी गुड. कीप इट अप. क्योंकि उनमें क्या है, जॉइंट्स से. और हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स में जॉइंट होते हैं वो पार्ट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of body seem to be joined together, like elbow, shoulder or neck? ऐसे हम आपने नोटिस किया होगा, हम उन पार्ट्स को क्या कर सकते हैं, बॉडी के उन पार्ट्स को रोटेट कर सकते हैं या फिर बेंड कर सकते हैं जो पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. उनको हम क्या कर सकते हैं, बेंड भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं. जैसे कि एल्बो हो गई हमारी, शोल्डर हो गया हमारा, नेक हो गई, ये क्या इनमें क्या होते हैं, जॉइंट्स होते हैं. These places are called joints. उस जगह को क्या कहा जाता है, वहां क्या, joints कहा जाता है. ठीक है, can you name more such joints? क्या आप और किसी joints का नाम बता सकते हैं? If your body has no joints, do you think it would be possible for us to move in any way at all? अगर मान लो आपकी बॉडी में कोई joints ही नहीं होगा तो क्या आप ये पॉसिबल होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओ, जा सकोगे आप? नहीं जा सकोगे. जैसे एक पेड़ सीधा खड़ा रहता है ना, वैसी हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, खड़ी रहेगी खाली. What exactly it is joined together at these joints? क्या वास्तव में ये जो joints होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? Press your finger against the top of your head, face, neck, nose, ear, back of the shoulder, hands and legs, including the finger and toe. अब आपको क्या करना है, अपनी फिंगर को प्रेस करना है और अपने हेड को देखना है, प्रेस करके फेस को, नेक को, नोज को, बैक शोल्डर को, हैंड को और अपने टोए को, फिंगर और टोए को भी प्रेस करके देखना है. तो आज की क्लास अपन यही करते हैं, ठीक है.